सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मनदीप खुरमी हिम्मतपुरा। मैं हर वार की तरह पंज दरिया के स्कॉटलैंड स्टूडियो राही आप सब के सन्मुख हो रहा। असी अक्सर ही किसी ना किसी मसले पर, किसी ना किसी मुद्दे पर, किसी ना किसी वर्तारे पर गलबात करते रहने। अज जिस मसले बारे गल तुहाडे नाल कर रहे हैं, उहदा जे सरलेख देना होवे तां मैं कहूँगा कि कुक्कड़ खेह उड़ाई अपने सिरी पाई। जां फिर ये कह सकते हैं कि जे तुहाडे घर दे विच किते त्रेड़ है तो याद रखियो कि लोग सब्बलां चक्की फिरदे आ उस त्रेड़ दे विच पाउण लई। तकनीक ने पसारा कीता, तकनीक साडी सौख लई सी, पर असी उस तकनीक नूं एक दूजे की मिट्टी पट्टण, एक दूजे नूं नीवां दिखाउण दे लई वध वरत रहे हां। कल ग्लासगो के सेंट्रल गुरद्वारा सिंह सभा विखे एक कह लो कि विचारां दा वखरेवा सी। उस विचारां दे वखरेवे दौरान जिहड़ी गुरद्वारा साहिब की चोण हुई है उहदे बारे गलबात हुई। सब तो पहला तो मैं विरोधी धिर जिहनूं कह सकदे जिहदे विच सरदार परमजीत सिंह समरा ते उहनां दे साथी सन, ते दूजे पासे जिहड़ी गुरद्वारा साहिब की पुराणी कमेटी ते नवें चुणे हुए नौजवान सज्जण वो सन। मैं उन्होंने वधाई ते शाबाशी इस गल की देना देनी चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही जाबते दे विच रहिंदे होया किसी अणसुखामी घटना का मुढ़ नहीं बन्न दिता। बहुत ही हलीमी दे नाल माड़ी मोटी गलबात तो बाद उन्होंने अंदर जा के बह के गलबात की है। एक वधिया सुनेहा भी है लोगों लई जां होर गुरद्वारा साहिबानां लई कि जेकर तुहाडे परिवार दे विच कोई किसी गल्लों विचारां दा वखरेवा तो उन्होंने बैठ के भी नजिठिया जा सकता। गल यह सी कि गुरद्वारा साहब की प्रधानगी के मसले के मामले के सरदार परमजीत सिंह समरा तो उन्होंने साथियों का तराज सी कि जिहड़ी गुरद्वारा साहब की कमेटी की नवी चोण हुई है वह मनमर्जी नाल जां बिना पुछे सिर्फ संगत के कुछ क लोगों तो जां संगत तो जकारे लगा के कर दिती गई। परमजीत सिंह समरा स्टेज तो बोले, सब तो वड्डी गल यह है कि जदों तुहानूं इह पता होवे कि उस समय विरोध वाली गल होनी आ तां उह उसे मंच तों आपदे विहड़े दे विचों अपने विरोधी नूं समां देणा इह वड्डे दिल दी गल आ। ते मैं गुरद्वारा साहिब दी कमेटी नूं शाबाश दिंदा, उहनां नूं सलाम कहना जिन्हां ने अपना विरोध जां अपने विरोधी विचार सुणन लई भी मंच तों समां दित्ता। ते तारीफ करनी बनदी है सरदार परमजीत सिंह समरा दी भी जिन्हां ने कोई तलखी भरे बोल बोलण दी बजाए अपने बहुत ही सुचजे ढंग नाल अपनी गलबात रखी। इस दे नाल ही गुरद्वारा साहिब की जिहड़ी मौजूदा प्रबंधक कमेटी है उहदे वल्लों भी चलो वधिया गलबात की गई है। उहनां दी पहुँच नूं किसे भी गल्लों छुटाया नहीं जा सकता। पर हैरानी इस गल दी है कि बहुत सारे सज्जण उत्थे मौजूद होण दे बावजूद जिन्हां ने उह सारा घटनाक्रम जां ओ वर्तारा अपने अखीं देखिया ओ बाद दे विच ओ वीडियो मंग रहे आ। मैं उत्थे हाजर सी, मैं उन्हां पलां दी वीडियो बनाई ते मैं जाणदा सी कि कौन कौन सज्जण उत्थे हाजर सन। ते जदों बाद दे विच मैथों उन्हां पलां दी वीडियो मंगी जांदी है तां इस नूं की समझिया जावे। मैं तां ही समझूंगा कि जिवें मैं पहलां कह के हटिया कि कुक्कड़ खेह उड़ाई अपने सिरी पाई, कि वह वीडियो मैथों मंग के अगे वायरल करनी है। जे वायरल ही करनी होंगी तो मैं कर लेंदा, जे व्यू ही कमाने होंगे मैं कमा लेंदा, जे उन्हां व्यूज तो पैसे ही कमाने होंगे तो वह पैसे मेरे कड़ा खुरक कर दे। सो जी सब तो मैं पहला गल कह के हटिया तकनीक, वह तकनीक सानू इतों तक ले आई। इस समाज का, इस धरती का जिहड़ा मुढ़ला जी आ जां मुढ़ला नागरिक आपां कह सकदे कि इंसान आ, ते उस तो समाज की जिहड़ी अगली इकाई आ उह साडा परिवार आ जिहदे विच असीं वख-वख जी हुंदे आ। ते उसे धरती दे उत्ते जिहड़ा परिवारां नूं रला के एक समाज बणदा, एक भाईचारा बणदा, उह वी एक परिवार ही है। ते जेकर एक परिवार दे विच रहिंदे दो भरावां दे विचार नहीं रलदे जां किसी गल ते उहनां दे विच खटास मटास आउंदी है इहदा मतलब इह नहीं हुंदा कि उह इक दूजे नूं वढ टुक देणगे जां एक दूजे दे दुश्मन बन जाणगे। टुट्टियां बाहां गल नहीं आउंदियां,
इस करके इस समाज दे विच विचरदे आ असीं जे ये समझते हाँ कि उहदा राह वक्खरा उहदा राह वक्खरा नहीं साडे राह इक्को ही आ असीं परिवारक जीव ही हाँ ते जे असीं ये चाहुंदे आ कि अपनी ऐनक थानी अपना सच ही देखना कल्ला ते दूजे दे सच नूं असीं झूठ ही मनना तां साडे वर्गा गुस्ताख कोई नहीं हो सकदा। मैं परेशान सी इस गल दा कि मैनूं किन्ने ही फोन इस गल लई आए कि वीडियो भेजी। हैरानी है कि वह वीडियो नूं भेज के असीं की खटना खटांगे जां उन्हां पलां नूं अगे शेयर करके वायरल करके असीं की करांगे। एक पत्रकार होण तों पहलां मैं एक इंसान वी हाँ ते इस भाईचारे का एक अनिखड़मा अंग भी हाँ। जे पत्रकार सिर्फ लूती लाउण वाले हुंदे आ तां मैं उह नहीं ते जे पत्रकार दे असल अर्थ जानने होण तां पत्रकार दा असल मकसद यह भी होना चाहिए कि जे किते भाईचारे दे विच किते कोई त्रेड़ है तो उस त्रेड़ नूं पूर्ण दा काम कीता जावे, ना कि गंधाले चक्की फिरदे लोकां नूं हल्लाशेरी दे के ते नाल उन्हां दे खुद जोर लाया जावे। मैं इत्थे उन्हां सारे सज्जणां नूं प्यार सहित निम्रता सहित बेनती करदा कि कृपा करके कदे भी इस तरह वीडियो मंगण दी जिहड़ी कोशिश आ उह ना कीती जावे, क्योंकि मैं उन्हां चों नहीं जो पासे बह के तमाशा देखा। मेरी कोशिश यह है कि जे किते इस तरह खटास पैदा हुंदी है भाईचारे दे विच जां दो भरावां दे विच ते मेरी कोशिश यह रहू कि मैं उन्हां नूं किवें ना किवें नेड़े करन दी कोशिश करां। जे ये कोशिश ना भी करां ते मैं उस भाईचारे दी जां उन्हां भरावां दी बुराई कदे नहीं करूँगा। सो दोस्तो सानू भी साडा भी ये फर्ज बनता है कि जेकर कदे कोई इहो जिही वर्तारा वापरदा है तां उहदे कारणां नूं लभीए, उहदे कारणां नूं लभ के उहनां धिरां नूं नेड़े करन दी कोशिश करिए, ना कि दूर करिए, क्योंकि साडी छोटी जिही व्यू कमाउण दी माड़े मोटे पैसे कमाउण दी जिहड़ी भुख है वह पता नहीं किहदे किहदे विच दुश्मनियां पवा देवे। असीं इसे भाईचारे 'च रहिणा, कल नूं उह दोने धिरां एक थाली एक बुरकी खाणगे आ ते दोषी कौन बणूगा, मैं ते तुसीं। सो बेनती है हाथ पैर जोड़ के कि आओ इस भाईचारे दे इस समाज दे इस धरती दे जिम्मेवार नागरिक बनीए। साढ़े कोल होर बहुत मुद्दे आ, साढ़े कोल ये मसले ही नहीं कि एक दूजे दे सिंग किवें फसाए जाण, साढ़े कोल जिउण लई बहुत मुद्दे आ कि बेहतर जिंदगी किवें जिउणी आ, असीं उहनां वल ध्यान नहीं दिंदे। असीं किसी की मेहनत का मुल पाउण लगे, किसी की किरत का मुल पाउण लगे अखां मीच जांदे आ, तीर कढ लैंदे आ। असीं किसी का हक दबण लगे तीर कढ लैंदे आ, असीं इस धरती ते गंद पाउण लगे तीर कढ लैंदे आ, पर जदों कदे किसी होर दे घर लड़ाई पै रही होवे तां असीं उहदा स्वाद लैंदे आ कंध ते बैठ के। सो मेरी बेनती है कि असीं डब्बू ना बणीए। अग लाई ते डब्बू कंध ते, एक कहावत भी सुनी होनी है। सो असीं उह चिड़ी बणीए जिहड़ी अपनी चुंझ दे नाल लगी हुई अग ते भी बूंद पाउंदी है, कोशिश करदी है। समां बहुत बलवान है, साडी अज दी गलती सानू पता नहीं किन्नी दूर लै जे। कहिंदे हुंदे आ वी जे तुसीं वर्तमान ते रोड़े ना वार करदे हो तां जिहड़ा भविख आ उह पता नहीं तुहाडे लई किड्डा वड्डा पत्थर चक्की खड़ा होणा। सो दोस्तो एक नमाणे जिहे पत्रकार की बेनती कबूल करियो कि कदे भी इहो जिही घटना जां इहो जिहे वर्तारे का भागीदार होण का मौका ना ही दिता जाए कि लोग साडे ते हसण। उम्मीद करदा कि इन्हां बेनतियां नूं कबूल करोगे तां कि असीं इस देश दे विच अपने भाईचारे का उच्चा ना करिए, ना कि लोगों को यह दिखाईए कि असी सिर्फ इन्हां गल्लां पिछे सिंग फसाउण जोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।